नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम कार्ड के पिन मोबाइल के थ्रू कैसे सेट करना है। तो अगर आपके पास भी पंजाब नेशनल बैंक में बैंक अकाउंट है, अगर आप चाहते हो अपने एटीएम कार्ड के पिन सेट करना है, एटीएम पिन जेनरेट करना है, तो कैसे आप यहाँ पर जेनरेट कर सकते हो, कैसे आपको यहाँ पर एटीएम पिन सेट करना है, मैंने यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो भी आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता चलेगा पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम कार्ड के पिन कैसे सेट किया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पिन जेनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो भी मोबाइल पर मैसेज बॉक्स है, मैसेज बॉक्स को ओपन करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर साइड में दिखाई दे रहा है, जैसे कि 9264092640 दिखाई दे रहा है, इस वाले नंबर भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। दूसरा नंबर है 5607040। दो नंबर में आप कोई भी नंबर यहां पर आप टाइप कर सकते हो। नंबर सेट करने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है DC PIN, यही आपको टाइप करना है। उसके बाद एक स्पेस देना है। उसके बाद आपके जो भी डेबिट कार्ड नंबर है, जो कि 16 डिजिट का होता है, वो आपको यहां पर फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहां पर सेंड दिखाई देगा, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, उसी मोबाइल नंबर पे आपके पास एक SMS आ जाएगा, जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और इसी पर आपके पास यहां पर OTP आ जाएगा। इस OTP को लेके आपको यहाँ पर अपने ATM कार्ड को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए मैंने यहाँ पर बताने वाला हूँ पंजाब नेशनल बैंक के जो भी मोबाइल बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू मैंने यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मैंने पहले यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट नहीं किया है, मैंने इस वाले वीडियो के नीचे इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करके पहले आप यहाँ पर एक्टिवेट कर ले। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर इसी तरीके से ओपन कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पर कार्ड के सेक्शन दिखाई देगा, तो क्या करना है, डेबिट कार्ड दिखाई देगा, इसी के पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ आना है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा जेनरेट ग्रीन पिन, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर दिखाई देगा, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अपने बैंक अकाउंट के लास्ट के 4 डिजिट दिखाई देगा, इसी के ऊपर एक बार टैप करना है। नेक्स्ट यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अपने बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट आपके जो भी ATM कार्ड के नंबर है, जो कि 16 डिजिट का होता है, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्सपायर मंथ, तो क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अपने डेबिट कार्ड के ऊपर ऐसे में जो भी एक्सपायर महीना है, वो आपको यहाँ पर चूज करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक्सपायर ईयर, इसी तरीके से आपको यहाँ पर चूज करना है। पहले एक्सपायर ईयर के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपके डेबिट कार्ड के एक्सपायर डेट आपको यहाँ पर इसी तरीके से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटर 6 डिजिट OTP, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले जो भी 6 डिजिट का OTP आया था, वो आपको यहाँ पर पहले फिलअप कर देना है। अब सारे डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर 1-2 सेकेंड वेट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसी तरीके से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंटर न्यू पिन, तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से 4 डिजिट का पिन यहाँ पर चूज करना है, जो भी आप रखने चाहते हो। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉन्फर्म न्यू पिन, तो आपको क्या करना है, ऊपर अपने जो भी 4 डिजिट का पिन चूज किया है, सेम 4 डिजिट का पिन आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। वही पिन आप यहाँ पर चूज करें जो भी आपको याद रहे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सबमिट दिखाई दे रहा है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना ही काम करने के बाद आपके जो भी ATM कार्ड के पिन है यहाँ पर सेट हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हो पंजाब नेशनल बैंक के ATM कार्ड के पिन सेट करना है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। दोस्तों ये था छोटा जानकारी को। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले।